प्यारे बच्चों बच्चों आज हम सब हिंदी आरोह भाग दो के अंतर्गत कविता दिन जल्दी 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 ढलता है कविता को पढ़ेंगे। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इसमें कवि दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं, पंछियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार हो तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है, यानी कि प्रेम है तभी व्यक्ति उत्साह रख उसके अंदर उत्साह होता है, जोश होता है और हर काम के लिए तत्पर रहता है। तो इसलिए कवि इस पंक्ति को पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन भर पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निशा निमंत्रण शीर्षक कविता से उद्गृत है। इस कविता के रचयिता बच्चन जी हैं। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि दिन का समय शीघ्रता से चला जाता है और रात का बुलावा आ जाता है। कवि निशा के निमंत्रण द्वारा मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संदेश देते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, व्याख्या है कि दिन का समय शीघ्रता से चलता है और रात होने लगती है। अपने घर से गया हुआ व्यक्ति जो दिन में ही शीघ्रता से अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, वह यात्री यह सोचकर कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, जबकि वह अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर है। मंजिल भी तो है कुछ ही दूरी पर है, इसलिए वह सारा दिन का थका हुआ होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी अपने कदम रखता हुआ आगे बढ़ता है। अर्थात हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह कठिनाइयों व माया के चक्कर में पड़ने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपनी प्रसिद्धि पा सके। कविता का भाव है कवि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विलंब न करने का संदेश लोगों को, मानव जाति को देता है। इस कविता में साधारण बोलचाल की भाषा प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। एक ही शब्द दो बार आए हैं इसलिए पुनरुक्ति अलंकार है। अगली पंक्ति है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पंक्ति में कवि चिड़िया के माध्यम से पंछी के घर का चित्र प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि रात होने से पहले जिस प्रकार चिड़िया के बच्चे चिड़िया के आने की आशा में बार बार अपने घोंसले से बाहर झाँक झाँक कर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, और चिड़िया भी अपने छोटे छोटे चंचल परों के द्वारा शीघ्र ही अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है, उसी प्रकार यह ध्यान परों की चिड़ियों में भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक उसी प्रकार घर से गए यात्री के बच्चे भी बार बार अपने घर से बाहर रास्ते पर अपने आने उसके यानी अपने परिवार के आने की उम्मीद लगाए हुए देखते रहते हैं, और यात्री भी जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि रात के अंधकार में उसे जाने में कठिनाइयां होगी। यह ध्यान परोग में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता का भाव है बच्चों का आशा के साथ अपने पिता का इंतजार करना तथा यात्री की शीघ्रता से मंजिल तक पहुँचने का दृश्य कवि ने बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हो जाऊं मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता है पद को, पद माने पैर, भरता उर में विहलता है, उर माने हृदय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मैंने व्याकुल। कभी यहाँ कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, क्योंकि मेरा कोई प्रिय प्रेमी नहीं है, फिर मेरा चित उसके लिए चंचल क्यों है, मैं हूँ किसके लिए हित चंचल,
फिर मैं किसके वजह से, किस वजह से चंचलता इतना व्याकुलता मेरे मन में है? यह प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता, उर्मे बिहलता है। तो मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, क्योंकि मेरे जागे क्योंकि मेरे मेरा प्रिय मेरा कोई प्रेमी मुझे चाहने वाला तो कोई है नहीं। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। यह प्रश्न शिथिल करता, पद मैंने पैर को, कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ, बिहलता यानी ढीला पड़ जाता हूँ या कमज़ोर पड़ जाता हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसके तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे तो नहीं कटता। तो इस पंक्ति का भाव यही है, कवि यही कहना चाहता है कि रात के अंधकार रूपी दुख को कोई ग्रहण नहीं करता है, यदि करता है तो वह बड़ी व्याकुलता की बात होती है। ये पूरी पंक्ति में साधारण शिल पक्ष है, कला पक्ष है कि साधारण बोलचाल की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। तुकबंदी व नाद सौंदर्य से कविता एक गीत रूप में प्रस्तुत हुई है। तुकबंदी यानी कि तुक पूर्ण कविता है, जैसे बच्चे प्रत्याशा होंगे, नीलों में झांक रहे होंगे, होंगे शब्द है, चंचलता है, ढलता है, ये तुकबंदी है। इसकी वजह से कविता बहुत ही प्रभावपूर्ण है। प्रश्नात्मक शैली में विषयात्मक शैली का सुंदर समन्वय है। अनुप्रास अलंकार भी है कहीं कहीं, और जल्दी जल्दी की आवृत्ति द्वारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार काव्य सौंदर्य में बहुत ही आकर्षक है। तो बच्चों, आशा है ये कविता का अर्थ आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आत्म परिचय से पढ़ते हैं। कविता एक और जग, प्रश्न पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो उत्तर देखते हैं कि इस कविता में कवि जग जीवन का भार ढोने की बात कहता है। इसका आशय यह है कि वह संसार में से तटस्थ नहीं है, संसार से अलग नहीं है, संसार में ही है, संसार की ही समस्याओं या व्यवस्थाओं के अनुकूल है। वह संसार की चिंताओं के प्रति भी सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्टमुक्त करना चाहता है। इस मार्ग पर चलते चलते कुछ बातें कवि को कचोटती है, कष्ट भी पहुँचाती है, तो संसार का कुछ व्यवहार उसे पीड़ित भी करता है। संसार की बहुत सी कुछ परंपराएं और रूढ़ियाँ जो है उनको रास्ता को अवरोध करती हैं, रोकती हैं। वह उनको परंपराओं को चुनौती देता है तथा उसकी परवाह नहीं करता है। और कवि इन्हीं सब बातों से विपरीत लगते हैं इनके कथन, कि मैं कविता का, मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर कभी न ध्यान, मतलब फिर भी मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अगला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि मानता है कि संसार में डूबे रहना यानी दाना यानी भौतिक वस्तु, रोटी, कपड़ा, मकान, सुख सुविधा को प्राप्त करना, ये इसमें लगे रहना संसारिक लोगों के लिए नादानी है, मूर्खता है। और क्योंकि दाना संसारिकता का प्रतीक है और उसके पीछे लगे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने संसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया है कि मनुष्य बस भौतिक सुख सुविधा जुटाने में लग जाता है और वह प्रेम से परे हो जाता है, इसी में लीन हो जाता है, इसलिए वह नादान है। यहाँ नादान और दाना शब्द दोनों एक दूसरे की बात के लिए हैं। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषताएं बतलाइए। यहाँ और शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है, यहाँ और शब्द का प्रयोग तीन बार कवि ने किया है। पहले और का शब्द है मैं अपने लिए, स्वयं के लिए किया है कि मैं और हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा स्वभाव और गुण बिल्कुल अलग है। और दूसरे और का शब्द यहाँ और मने यानी जोड़ने के लिए, ये और दोनों और को जोड़ने के लिए, योजक शब्द के लिए प्रयोग किया है। और तीसरे और का प्रयोग भी अलग है, जो जग के गुण के लिए, संसारिक लोगों के लिए गुण के लिए प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कवि ने यहाँ और शब्द द्वारा यमक अलंकार का चमत्कारी रूप प्रदान किया है।
मतलब पहले और अपने के लिए, दूसरे और संसारिक लोगों के लिए, और दूसरा तीसरा और संसारिक लोगों के लिए, दूसरा और जोड़ने के लिए किया है दोनों शब्दों को। तीसरा चौथा अगला प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग का मतलब है, तात्पर्य है कि कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है। शीतल वाणी स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, किंतु उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। विद्रोह शब्द यहाँ आग से लिए है, आग यानी विद्रोह, आग शब्द का विद्रोह के लिए प्रयोग किया है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, वह ऐसा संसार को दुत्कारता है। तो यहाँ शीतल वाणी में आग के लिए कवि ने मतलब मन में क्रांति व शत्रु के प्रति वीरता दिखाने की भावना मन में आग रूप में कवि ने माना है। अगला प्रश्न है, बच्चे ये प्रश्न दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रश्नोत्तर है। तो इस कविता का पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चे इस आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर शीघ्र उनके पास आते रहे होंगे, वे उन्हें भोजन के साथ साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से कि आवृत्ति से कविता में कुछ विशेषताओं का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इस पंक्ति में दिन जल्दी जल्दी ढलता में कवि यह विशेषता प्रकट करना चाहता है कि दिन यानी सुख का समय शीघ्रतम समाप्त हो जाता है और अंधकार व दुख का समय आ जाता है। इसलिए दिन के जल्दी जल्दी ढलने के पहले कवि अपने लक्ष्य तक पहुँचने का संदेश देता है। कवि का मानना है कि दुखों के आने से पहले सुखों को मस्ती व मौज के साथ अपनाना चाहिए, जीना चाहिए। तो प्रेम के क्षण बड़े ही सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम के समय में बीतने का पता ही नहीं चलता। इससे यह पता चलता है कि यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत की है। आशा है यह पाठ आप लोग को समझ में आया होगा।